हाय गाइस, मेरे चैनल ट्रेडिशनल होम पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं ट्रे गार्डन बनाना बताऊंगी। आजकल हमारे पास जगह की बहुत कमी होती है, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हम अपना बड़ा गार्डन नहीं बना पाते। कई बार तो बैल्कनीज भी इतनी छोटी होती हैं कि वहाँ पे भी हम अपने प्लांट्स को नहीं रख पाते। ट्रे गार्डन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अपने लिविंग रूम में, ऑफिस में, या कहीं भी जहां आपको डेकोरेशन करनी हो उसको रख के अपने गार्डन का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना ट्रे गार्डन बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रे। मैंने चीनी मिट्टी की ट्रे ली है और इसमें सबसे पहले हम अपना ड्रेनेज होल चेक करेंगे। ये प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। इस पे हम एक दिए के टुकड़े जो टूटे हुए होते हैं दिवाली के दौरान, जो हम दिए यूज करते हैं, उसको लगा देते हैं। और इसकी हमें लगभग एक इंच लंबी लेयर लगानी होगी। हमारी लेयर लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। इससे हमारी ये लेयर थोड़ी कवर हो जाए। मिट्टी में हमने पहले ही थोड़ी सी खाद, नीम खली और थोड़ी सी रेत सब मिला के रखा था अपनी मिट्टी में। आइए अब हम अपने प्लांट्स लगाते हैं। हमें चूज कर लेना है हमारे प्लांट्स का लुक थोड़ा ट्री जैसा हो, हम उसी टाइप के प्लांट चूज करें। ये देखिए, ये एक बड़ा पेड़ जैसे लुक आ रहा है इसका। अब हम अपना दूसरा प्लांट रख के देखते हैं कैसा लगता है। इसको हम थोड़ा सा इधर रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे ताकि ये मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसमें ये रेड ड्राइसीना का प्लांट लगा देते हैं। तो हमारी ट्रे का लुक कुछ जंगल जैसा आएगा। अब हम इसमें थोड़ी मिट्टी भरनी शुरू करते हैं। ये मेरा लेडी एलेंथ्रा का प्लांट है और इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे रेड ड्राइसीना। बस हम इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि हमें अपना गार्डन धूप में रखना है तो हम उसमें धूप वाले प्लांट्स रखें, और यदि हम उसे इंडोर रखेंगे तो हम उसमें इंडोर प्लांट्स ही चूज करें। हमने अपने गार्डन में मिट्टी लगभग फिलअप कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। अब हमारे पॉट में मिट्टी भर के तैयार हो गई है। इसको इक्वल कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़े छोटे छोटे हर्ब्स टाइप प्लांट्स लगाने वाली हूँ जो थोड़ा झाड़ी का लुक देंगे। मैंने अपने प्लांट्स लगा लिए हैं। ये इसके लिए, झाड़ी के लिए मैंने ये सेंसिवेरिया के छोटे वाला जो प्लांट होता है वो चूज किया है। ये बहुत लंबा नहीं होता, ये छोटा छोटा ही रहता है। ट्री गार्डन का लुक अभी कुछ ऐसा दिखता है। अब हम अपने गार्डन को डेकोरेट करना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने ये स्टोन ली है, छोटे छोटे पीबल्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इस तरीके से हम इसको अपने पूरे गार्डन में इक्वली लगा देंगे। अभी मेरा गार्डन कुछ ऐसा दिखता है।
अपने गार्डन में हम एक छोटी सी वाटर बडीज भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये जो एक बड़ा दिया जैसे होता है उसको कलर करके एक पॉन्ड का लुक दिया है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे क्योंकि पानी तो बहुत जरूरी है। हमारा पॉन्ड लग के तैयार हो गया है। अब हम अपने गार्डन में एक छोटा सा हाउस जैसे हट जैसे सेट करेंगे इन दोनों ट्रीज के बीच में। और यहाँ से थोड़ा पॉन्ड तक आने के लिए एक रोड का लुक देंगे, जैसे ग्रास है और ये एक रोड पॉन्ड तक आ रही है। अब हम छोटी छोटी चीजों से अपने गार्डन को डेकोरेट करेंगे। ये सारी चीजें आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, किसी भी नर्सरी शॉप पे आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्पेस की कमी है, इसीलिए हम इसमें अपने छोटे छोटे ही एनिमल्स लगाएंगे। ये हमारा छोटा सा जेब्रा है, ये एक काऊ है जो हम घर के पास लगा देंगे, ये हमारे छोटे छोटे से मशरूम टाइप प्लांट्स हैं जो हम अपनी वाटर बॉडीज के पास लगा देंगे, कुछ वाटर बर्ड्स हैं जो हम अपने वाटर बॉडी के पास घूमते फिरते हुए शो करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये डक है जो पानी में तैर रही है। अब इसमें अपने पॉन्ड में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा पॉन्ड अब ऐसा दिखता है। और अपने ट्रे गार्डन में आपका वेलकम करने के लिए हम ये लगा रहे हैं, ये एक रैबिट है जो घर के आसपास फुदक रहा है। शुरू कर। ये किंगफिशर है, इसको हम किसी ट्री पे बैठा देंगे इस तरीके से। इसमें छोटी छोटी वायर होती है, उसकी हेल्प से हम इसको कहीं भी टैग कर सकते हैं, जैसे ये पेड़ पे बैठा है। ये हमारी हनी बी है, इसको हम अपने गार्डन में लगा देते हैं। ये बीटल है, इसको भी हम किसी प्लांट पे इस तरीके से बिठा देते हैं। आप देखिए हमारे गार्डन का लुक कुछ ऐसे आता है, लग रहा है ना प्यारा? कितना हमारे गार्डन का फाइनल लुक कुछ ऐसे आता है। अब हम अपने ट्रे गार्डन में पानी देखिए। पानी देते टाइम आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम में या जब भी आप इसमें पानी दें, इतना पानी डालें कि नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर निकलने लगे। इसमें आपको रोज रोज पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा आप छू के देख सकते हैं। थोड़ी ये स्टोन हटाकर अगर मिट्टी सूखी है तभी आप इसमें पानी डालें, और जब भी पानी डालें प्रॉपर डालें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।